Hello students, how are you all? So today we have Pooja Chhatwani who has secured all India rank 1 in CMA Inter. So congratulations Pooja, how are you? Thank you sir, thank you so much. I'm good sir, how are you? I'm doing great, how are you feeling? Sir, I'm still unable to process it, abhi bhi believe nahi ho raha sir, but I'm trying to get over it. Okay, great. So you were expecting a rank, All India rank 1, or it was just like... No sir, not at all. No sir. Okay, sir, so you were not expecting. No sir. All India rank 1, to sir, maine nahi socha tha ki mera All India rank 1 aayega. And All India rank bhi honestly sir, nahi socha tha. Kabhi bhi aisa, kabhi ye thought, mind ko aise cross bhi hota tha, to main backspace press kar deti thi. So basically nahi sir, kabhi nahi socha. Okay, great Pooja. Yes, sir. So please share your journey, like you know how you secured the rank, what was planning, क्या कर रहे थे आप? Okay, sir, मैंने intermediate देने में मैंने 1.5 years लिया है, first attempt था मेरा, but I gave my foundation back in December 2018. उसके बाद में सर मेरा फर्स्ट जो इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट था वो दिसंबर 2019 में फॉल करता था, बट उस टाइम ऐसा होता मैंने जुलाई 2019 में अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी ग्रुप वन की, बट सर उसका फिर जब मेरा ग्रेजुएशन का भी टाइम टेबल आया, डीयू का जो टेंटेटिव डेट शीट आती है, तो वो दोनों क्लैश करा था एज इन सेम डे एंड सेम टाइम. तो फिर मुझे सीएमए का उस टाइम इंटर का मैंने एग्जाम फॉर्म ही फिल नहीं किया था. उसके बाद फिर मुझे बोथ ग्रुप्स देने थे जून 2020 में, बट पैंडेमिक की वजह से फिर वो अटेम्प्ट ही कैंसिल हो गया. तो फिर उसके बाद मैं फाइनली दिसंबर 2020 दिया. ओके, सो इट टुक यू अराउंड 1.5 इयर्स फॉर द प्रिपरेशन, आई कैन से दैट राइट, टू सिक्योर दैट. यस सर. ओके, सो लाइक हाउ इज द प्लान, लाइक कैसे आप पढ़ रहे थे, क्या आपका डेली रूटीन रहता था? वाज लाइक इट लाइक अ कंटीन्यूअस 8 टू 9 आवर स्टडीज और कुछ और प्लान करते थे आप? सर 8 to 9 आवर्स तो नहीं सर, मैंने मैक्स 5 आवर्स पढ़ा है पूरा. आई गेस नवंबर दिसंबर 2020 जब एग्जाम्स एकदम नियर बाय थे तब मैंने 8 to 10, 11 आवर्स भी करा है. और सर जो 8 days होता है उसमें तो आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, उस टाइम तो पता ही नहीं रहता है. बट सर उससे पहले तक हमेशा मैंने मैक्सिमम 5 आवर्स दिया है. और जब कॉलेज था मेरा मार्च 2020 जो लॉकडाउन से पहले वाला, तब तक जब मेरा कॉलेज चल रहा था साथ में, तब तो सर मैक्स 4 to 5 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस, जो क्लासेस मैंने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड में ली थी वो क्लासेस को इंक्लूड करके सो बेसिकली क्लासेस ही देखती थी बस. ओके पूजा, सो लाइक यू नो मैं ये बोल सकता हूँ कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए. करेक्ट सर, करेक्ट. एंड सर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, आप खुद को जज करना पड़ता है. आपको लगता है कि इफ यू रिक्वायर 6 आवर्स तो फिर देना चाहिए. सर मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा 4 to 5 में, तो फिर मैंने उतना ही किया. ओके, सो यू नो लाइक कि आपने 8 सब्जेक्ट दिए हैं, बोथ ग्रुप साथ में दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि लाइक रिटेन करने के लिए, बिकॉज बहुत सिलेबस है, 8 सब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है, रिटेन करने के लिए कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम, तभी अच्छे से याद रहता है? सर मिनिमम 3 टाइम्स करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स. ओके, सो 3 टाइम्स रिवीजन, गाइस नोट दैट, 3 बार रिवाइज तो करना ही करना है. यस राइट, सो आपने कितनी बार किया? सर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स सर मैंने, मैं बताती हूँ आपको सर, GST, OMSM और एक दो सब्जेक्ट्स और थे सर, उनमें 5-6 टाइम्स भी किया है मैंने. Okay. और सर बाकी सब्जेक्ट्स सर लॉ, अब थ्योरी सब्जेक्ट्स मेरा बिल्कुल, जैसे आई एम वीक विद थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड आई एम ग्रेट एट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया सर, OMSM 5 to 6 टाइम्स किया है मैंने, GST भी मेरा 40 था तो फिर उसमें मैंने 5 to 6 टाइम्स रिविजन किया है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में सर मिनिमम 3 टाइम्स. ओके ग्रेट, सो मिनिमम 3 टाइम्स और मैक्सिमम टिल 6 टाइम्स. ओके ग्रेट, मैक्सिमम सर जितना करना है आपको. हाँ, जितना करना है करते रहो जब तक एग्जाम नहीं आता. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
So Pooja, I wanted to ask, like, you know, you studied through video classes at the end, right? Yes, sir. So koi difference aaya live classes se video classes mein switch karne pe, or there was any benefit you feel ki like video classes mein to bahut benefit hai? सर, वीडियो क्लासेस से ये होता है कि आपका कम्यूटिंग टाइम बहुत सेव होता है, जो आप एक घंटा आने का एक घंटा जाने का सेव होता है. एंड वहां पर सिर्फ अगर फेस टू फेस ले रहे हैं तो अगर आप सब्जेक्ट्स आपको साथ में एग्जाम देना है तो फोर सब्जेक्ट्स की बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, थ्री फोर सब्जेक्ट्स की. और अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो सर आप ऐसा कर सकते हो कि दो तीन घंटे आपने देखा, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ब्रेक ले सकते हो. तो सर वो एक एडवांटेज रहता है, कम्यूटिंग टाइम सेव होता है. और मुझे तो सर यही बेटर लगता है कि आप वीडियो क्लासेस और अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो. ये कर सकते हैं जैसे वहां पर अगर फोर सब्जेक्ट्स पर डे होते हैं तो आप भी थ्री फोर सब्जेक्ट्स आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करके शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में. ओके, सो लाइक फॉर यू वीडियो क्लासेस आर बेटर बिकॉज टाइम सेव होता है, खुद के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा था अभी पढ़ना है, थोड़ा ब्रेक ले लूंगी, भूख लगा है तो ब्रेक ले लूंगी. सो इट्स ऑन यू ओनली, राइट? बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, right? Yes, sir. You have to be disciplined, right? Discipline is the key, sir. Yes, right. So like, you know, you have studied accounts from Santosh, sir. Okay. Yes, so, like, sir. What do you think, like, how was the classes? Kuch edge mila aapko exam mein after studying from his classes? Yes, so sir, Santosh sir ekdam concept clarity na ekdam deep mein jaake sir samjhate hai. Chahe usko ek hi topic ko sir ko 2 ghante bhi samjhana padega, pura class sir usi ko devote kar dete hain. और सर क्वेश्चंस भी सर पास्ट पेपर्स के उनकी बुक में इंक्लूडेड हैं, तो वो क्वेश्चंस अगर पेपर में मिल जाता है तो वो एक एडेड एडवांटेज है. ओके, ग्रेट ग्रेट पूजा. ओके, सो यू नो लाइक यू हैव स्टडीड इन वीडियो क्लासेस मोड, एंड वीडियो क्लासेस मींस दैट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज एंड ऑल, राइट? सो हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ सीओसी टीम? वाज दैट इंस्टेंट और दे टुक देयर लाइक यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू यू बैक? सर मेरे को एक दो बार इशू आया है कुछ, तो सर मैंने टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया था, इमीडिएटली दे रिजॉल्व माय इशू. ओके ओके, सो दे वर गुड. यस सर, यस सर. ओके पूजा, सो यू नो लाइक अभी इंटर कंप्लीट हो गया है, सो व्हाट इज द प्लान फॉर फ्यूचर? क्या प्लान है, कैसे आगे पढ़ रहे हो, या फिर आर्टिकलशिप का क्या प्लान है? हाँ सर, सर अभी तो आर्टिकलशिप ढूंढनी है सर, अभी भी आफ्टर एग्जाम्स भी सर मैं ढूंढ रही थी एंड आई एम स्टिल सर्चिंग. और अभी तो कल से सर वो सब तो अभी माइंड से सब चला ही गया, अभी इतने कॉल्स आ रहे हैं और इतनी चीजें अभी प्रोसेस कर रहे हैं, अभी रजिस्टर नहीं हो रहा ब्रेन में कि इतना रैंक आ गया और एकदम इतना सब कुछ हो रहा है. तो सर अभी आर्टिकलशिप करनी है सर, और फाइनल का भी प्रेपरेशन साथ में सर करना है. Great. So, you know, like, final ka preparation bhi ho jayega, articleship bhi ho jayegi. Lot of people will be, you know, approaching you for the articleship, what I feel, right? So, this is a good opportunity. Choose wisely, okay? So, you know, now, a particular message aap dena chahte ho for students which can help them in their studies? So, my tips? Yes. For them. My preparation tips. Okay, sir, तो एक चीज तो सर ये है कि अपने हर सब्जेक्ट whether थ्योरी और प्रैक्टिकल सब में अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. मैंने तो किया था सर, जो सब्जेक्ट्स मैंने सेल्फ भी करे हैं तो उनमें अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे. इससे होगा कि जो वो 8 days जो एग्जाम बैक टू बैक चलते हैं उसमें हम स्टडी मटेरियल लेके या जिस भी फैकल्टी की आप क्लासेस ले रहे हो उनकी बुक्स लेके आप नहीं बैठ सकते हो, तो उस टाइम पे अपने नोट्स से हेल्प करेंगे. तो डेफिनेटली सेल्फ प्रेपरेटरी नोट्स मैंडेटरी है. सेकेंड चीज सर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी. जैसे सर लास्ट ईयर तो इतना अप डाउन हुआ, एग्जाम पोस्टपोन हुए, कैंसिल हुए, और सर बाहर भी इतना नेगेटिविटी थी तो बहुत बार ऐसा होता था डीमोटिवेट हो जाते थे और मन नहीं करता था पढ़ने का. बट सर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी एवरी डे. आप डजंट मैटर कितने आवर्स आप दे रहे हो, आवर्स मैंने पहले भी बोला बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट एक दो घंटे भी पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि एक बार फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो स्पेस पे वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ट्रू पूजा, ग्रेट. So this is the help from Pooja's side. Okay, make sure that you are consistent. Make sure कि अपने notes खुद से बनाओ और अच्छे से बनाओ, क्योंकि exam के पहले वही बस help करने वाले हैं आपको, right? And all the best for you. I hope, I pray कि आप CAS में final में भी rank one लेकर आएं, right? And yes, I hope so कि COC के साथ ही जुड़े रहेंगे, and we will again meet you. Yes, sir. Definitely, sir. Okay.
ओके पूजा, तो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप सब भी अच्छा स्कोर करें बाय द हेल्प ऑफ व्हाट पूजा टोल्ड यू. ओके टेक केयर, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में.